अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज इंजीनियर यावर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए बी होम्स। आज हम आपको विज़िट करवाएंगे, स्ट्रीट व्यू भी करवाएंगे और प्रेसेंट 31 की शॉपिंग गैलरी का भी वहां पे दो कंस्ट्रक्शन के हवाले से उसकी भी अपडेट आप लोगों को देते हैं। तो बेसिक पर्पस है प्रेसेंट 31 इन्वेस्टमेंट के हवाले से कैसा है और डेवलपमेंट कितनी हुई है, फैमिलीज़ कितनी रह रही हैं, सारा आपको दिखाते हैं। विज़िट करते हैं, मेरे साथ चलें और पूरा स्ट्रीट व्यू भी करते हैं इंशाल्लाह। शॉपिंग गैलरी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, वो भी विज़िट करवा देते हैं और रेट्स के हवाले से भी आपको गाड़ी में चलते हुए डिस्कशन करते हैं। आइए चलते हैं साइट की तरफ। दोस्तों, ये हम स्ट्रीट टूर करा रहे हैं आपको प्रेसेंट 31 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं, इंजॉय कर रही हैं बच्चों के साथ। आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसका बेसिक रीज़न यही है कि यहाँ पे शॉपिंग गैलरीज जो हैं वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुई थी, जो कि अब एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि शॉपिंग गैलरीज जो हैं वो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशनल होंगी। ये सामने आप मस्जिद देख सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मस्जिद यहाँ पे, खूबसूरत किस्म के विलाज हैं प्रेसेंट 31 के, 235 स्क्वायर यार्ड्स के ये विलाज हैं और कीमतें आप बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकते। इस वक्त इतनी कम कीमतों में ये विलाज आपको मिल रहे हैं। ये देखें सारे विलाज पे फैमिलीज इस वक्त यहाँ पे रह रही हैं, एंजॉय कर रही हैं लाइफ को, सुकून किस्म की लाइफ है, यहाँ पे शोर शराबा नहीं है और किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप इमेजिन करें, ये जो विलाज हैं 235 स्क्वायर यार्ड्स के, 1 करोड़ 30 लाख से इनके रेट्स यहाँ पे मिनिमम स्टार्ट होते हैं और 1 करोड़ 40-45 लाख तक आपको लोकेशन के ऊपर विलाज मिल जाते हैं। यानी 130 से 140 का आप बजट रखते हैं तो प्रेसेंट 31 बेस्ट ऑप्शन है इस बजट पे। 235 स्क्वायर यार्ड्स के ये विलाज हैं, ग्राउंड फ्लोर पे 1 बेडरूम आपको मिल जाता है, किचन मिल जाता है, ड्राइंग रूम मिल जाता है, लॉन्च मिल जाता है और फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं, उसके बाद सर्वेंट का क्वार्टर मिल जाता है, टीवी लॉन्च मिल जाता है और एक स्टोर मिल जाता है। अब देखें ये सारी फैमिलीज यहाँ पे आबाद हैं, यहाँ पे गार्डन्स वगैरह सबने बनाए हुए हैं, ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, क्योंकि यहाँ पे बेरिया का भी प्राइम जो फोकस होता है वो ग्रीनरी पर होते हैं और यहाँ पे रेजिडेंट्स भी माशाल्लाह से एजुकेटेड होते हैं, वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंश्योर करते हैं कि हर गार्डन के सामने ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और इस की वजह से बेरिया का टेम्परेचर भी कराची के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और माहौल, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है यहाँ पे बेरिया की इंतज़ामिया की तरफ से। आप देख सकते हैं रोड्स, फुटपाथ्स, सेवरेज, हर चीज़ प्रॉपर आपको यहाँ पे नज़र आएगी, कोई गंद कोई कचरा आपको नज़र नहीं आएगा। डस्टबिन आप देख रखते हैं हर घर के सामने, बेरिया ने डस्टबिन रखे हुए हैं, रोज़ाना के डेली के हिसाब से गार्बेज की इनकी गाड़ियाँ आती हैं जो इसको डिस्पोज कर देती हैं। ये हम प्रेसेंट 31 में जिना वाली साइड पे इस वक्त आए हुए हैं, देखें रेंट की अगर बात करते हैं तो रेंट पे यहाँ पे आपको विलाज जो मिल रहे हैं वो 20,000 के अराउंड आपको विलाज मिल जाते हैं, 20,000, 21-22 हज़ार तक आपको यहाँ पे विलाज मिल जाते हैं और इसको भी अगर आप देख लें तो रेंट भी बहुत ज़्यादा मुनासिब है। एक चीज़ जो इन विलास में रहने वालों के लिए थोड़ी सी परेशान कुन साबित होती है वो कराची का आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, जो कराची आना जाना करेंगे, जो कराची की जिनकी जॉब होगी या जो सोर्स ऑफ इनकम उनका कराची में होगा, उनके लिए थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाती है। बाकी अगर कोई ऑनलाइन काम करता है, कोई फ्रीलांसर है, कोई
इंटरनेट के थ्रू काम करता है, तो उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन से कोई रिटायर्ड लाइफ जीना चाहता है और कोई ओवरसीज क्लाइंट है जो उनके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे प्रिसेंट 31 पे। स्ट्रीट टूर कर रहे हैं आप हमारे साथ प्रेसेंट 31 का, फैमिलीज देख सकते हैं। दिखाने का मकसद यही है कि यहाँ पे फैमिलीज माशाल्लाह से रह रही हैं और लॉन्स को काफ़ी लश ग्रीन करके यहाँ पे इन्होंने अपना वो किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप सारे, हर घर के सामने आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी, लॉन्स नज़र आएंगे बने हुए। कंप्लीट स्ट्रीट व्यू आपको करा रहे हैं आज प्रेसेंट 31 का। और काफ़ी लोगों का कंसर्न होता है कि कॉर्नर के जो विलाज हैं उन पे भी काफ़ी लोग ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि कॉर्नर का विला होना चाहिए। तो कॉर्नर का जो विला होता है उसमें फिर अगर रोड प्लस कॉर्नर है तो 20% आपको जो रेट है 130-140 पे, आप उस पर 20% ऐड कर लें तो वो फिर कॉर्नर के रेट बन जाएंगे। अगर सिंगल कैटेगरी लगती है जैसे स्ट्रीट है और कॉर्नर है, तो वहाँ पे एक सिंगल कैटेगरी लग जाएगी, 10% कॉर्नर के चार्जेस उसमें एडिशन हो जाएंगे। तो ये लगभग आपको कॉर्नर के जो विलाज है 145-150 तक आपको कॉर्नर के विलाज यहाँ पे मिल सकते हैं। जनरल जो विलाज हैं सेंटर पे जो विलाज हैं या थोड़ा सा बैक साइड पे 130 पे और नियर टू मस्जिद या फ्रंट या जिना के करीब जो हैं वो 135-140 के रेंज पे आपको अवेलेबल है। आप रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया गया है प्रेसेंट 31 के विलास के।